सरदार शुक्ला और रश्मि देसाई दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं एंड इवन इन दोनों ने एक साथ काम भी किया है। शुरुआत में जब उन्होंने बिग बॉस के घर में एंट्री मारी तो सब तो ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच के झगड़े बढ़ने लगे और अब कुछ समय पहले से ही इन दोनों के बीच के थोड़े से झगड़े कम हो गए हैं और अब तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, ये बात उस वक्त की है जब रश्मि देसाई दो कप चाय लेकर आती हैं, विशाल को दे देती हैं और फिर सिद्धार्थ भी कहते हैं कि मेरी चाय कहाँ है। इस पर रश्मि कहती है कि मेरा चाय का कप ले ले और सिद्धार्थ कहते हैं कि फेंक के देगी तो नहीं लूंगा, मेरे को पिला दे। इस पर रश्मि कहती है मेरे हाथ से पिएगा। सिद्धार्थ कहते हैं या फॉर श्योर, अगर तू पिलाएगी तो क्यों नहीं पीऊंगा। और इस पर रश्मि उन्हें दे जाती है चाय का कप और कहती है कि आसम ने बनाया है। सिद्धार्थ कहते हैं कि अब नहीं लेना। इस पर रश्मि कहती है कि बड़े प्यार से दिया है, ले ले। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। और वो उनके पीछे पीछे बाथरूम एरिया तक जाते हैं। रश्मि कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ कॉकरोच मारने का स्प्रे लेने के लिए। और फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि सीरियसली यार रश्मि नहीं चाहिए मुझे, और हाँ मैं किचन में भी नहीं गया हूँ, और अगर इसे पीने के बाद तू मरती है ना तो फिर मुझे नहीं पता। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी देर तक बातें होती है और सिद्धार्थ से रश्मि कहती है कि तेरा ये इतना ज्यादा अच्छा बिहेव करना मुझे हजम नहीं हो रहा, घबराहट सी हो रही है। और सिद्धार्थ कहते हैं कि सच में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।